दोस्तों हाल ही में मिस्र के अंदर कुछ ऐसी अंडरवाटर टनल्स मिली हैं जिनके अंदर मौजूद टूम्स के बारे में लोगों का कहना है कि ये इजिप्शियंस के भगवान का टूम है जो इसे दुनिया के लिए रहस्यमय बनाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये खोज में मिली इकलौती रहस्यमय चीज है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी रहस्यमय खोजें हुई हैं जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 9, द ओसिरिस शाफ्ट। दोस्तों ओसिरिस शाफ्ट कॉजवे के कैफरे में है जो कि इजिप्ट के गीजा में मौजूद है, और ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको जानने की कोशिश ना करी हो। आपको जानकारी दे दें कि सन 1945 में कुछ टूर गाइड इसके अंदर तैर कर गए थे, लेकिन वो इसकी जानकारी निकालने में असफल हो गए। उनका कहना है कि अंदर एक स्विमिंग हॉल है जिसके अंदर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये टनल सीधा ग्रेट पिरामिड से जाकर मिलती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये स्फिंक्स से जाकर मिलती है। इतनी सभी स्टोरीज और रूमर्स के बाद सन 1999 में जाही हवस ने उस पर रिसर्च की, और तब जाकर उस टनल का नाम द ओसिरिस शाफ्ट दिया गया। लेकिन उनकी टीम ने रिसर्च के दौरान पाया कि इसमें कई सारे चैम्बर्स हैं जो जमीन से लगभग 125 फीट नीचे तक जाते हैं। उन्हें वहां पर 7 सार्कोफैगी मिले जो एलीट प्रीस्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने 5 कॉफिन्स को तो वहां से निकाल लिया, लेकिन 2 अब भी वहीं मौजूद है। इसे खोजने वाले का दावा है कि ये टनल 600 बीसी में बनी हुई है, लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि टनल 600 बीसी से ज्यादा पुरानी है, और यहां के पानी का लेवल घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे सुनकर आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। तो वहां पर सार्कोफैगस मिले हैं, उनमें से एक ओसिरिस के भगवान का भी है, और ये सच है। नंबर 8, लेडी दाई। ये एक नोबल वुमन थी जिनका नाम शिनसु था, और ये हान डायनेस्टी में रहती थी जो आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ करती थी, और इन्होंने अपना पूरा जीवन लग्जरी तरीकों से जिया है। और आपको बता दें कि लेडी दाई का जो टूम्ब था वो लगभग 2000 सालों तक अनटच रहा, लेकिन 1968 में वर्कर्स ने इसे 40 फीट नीचे से निकाला, और उसके निकालने के बाद सबको शॉक कर देने वाली बात तो यही थी कि इसकी स्किन, बाल और भी कई चीज 2000 सालों तक सुरक्षित थी। ये किसी को नहीं पता कि लेडी दाई की बॉडी आखिर कैसे अभी तक प्रिजर्व्ड है। लेकिन हाँ, इन्हें एक के अंदर एक ऐसे करके 7 कॉफिन्स में रखा गया था जिस पर क्ले और चारकोल की लाइंस थी। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर इनके सबसे अंदर वाले कॉफिन में एक अजीब तरह का लिक्विड मौजूद था जो आज तक अनआइडेंटिफाइड है, और ये एक मिस्ट्री है कि आखिर उस लिक्विड में ऐसा क्या है जो बॉडी और ऑर्गन को 2000 साल तक सही बनाए रखा। नंबर 7, द डिसअपीयरेंस ऑफ वॉल्टर्स कॉलिंस। दोस्तों आपको बता दें कि ये बात कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस की है, जहां पर एक बच्चा मूवी देखने के बाद गायब हो गया, और पुलिस उसकी तहकीकात में लग गई तो पता चला कि एक और बच्चा भी गायब है। उसके महीनों बाद पुलिस एक बच्चे को पकड़ लाई जो अपने आप को आर्थर केंट बता रहा था, और बोल रहा था कि उसके पिता ने उसे किडनैप कर यहां छोड़ा है, और उस बच्चे की फोटो वॉल्टर की माँ को भेजी गई, और उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन पुलिस उन्हें फोर्स कर रही थी कि ये आपका बच्चा ही है, तो वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और पाल पोस कर बड़ा कर देती है। पर कई सालों बाद एक विटनेस आता है और बोलता है कि उसने देखा है कि किसने 2 बच्चों को मारा है और कहां पर दफनाया है। जब उस जगह को खोदते हैं तो वहां उन दोनों बच्चों के कंकाल मिलते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वॉल्टर गुम नहीं बल्कि उसका मर्डर हो गया है और उसकी माँ के पास कोई और बच्चा है। नंबर 6, मिस्ट्री ऑफ द रेयरेस्ट मोटरसाइकिल ऑन अर्थ। ये बात 1967 की है, जब एक वर्कर सब अर्बन शिकागो के घर में रेनोवेशन का काम कर रहा था। तब उसे वॉल के पीछे एक मोटरसाइकिल मिली जो कि एक क्लासिकल अमेरिकन मोटरसाइकिल थी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये आखिर यहाँ आई कैसे। तो आपको बता दें, ये 1916 से इसी वॉल के पीछे थी। इस घर के ओनर का कहना था कि उनके बेटे ने एक बार एक बाइक चुराई थी, लेकिन वो आज तक दिखी नहीं, और उन्होंने अपने बेटे को इसकी सजा देने के लिए आर्मी में भेज दिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका बेटा शहीद हो गया। ये बाइक आज के समय में दुनिया में मौजूद ट्रंप मोटरसाइकिल का एकमात्र उदाहरण है जो पिछले 100 सालों से आज तक चलने की हालत में है। इसके ऊपर 1907 में एक मैगजीन भी लॉन्च हुई थी, और ये एक हेवुड कंट्री जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है वहां के म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 5, बर्मेहा आइलैंड। दोस्तों 16 से 20वीं सदी के बीच मेक्सिको ने अपने सभी मैप्स में एक फैंटम आइलैंड को मैप किया था जो कि बर्मेहा आइलैंड था, जो मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में नॉर्दर्न कोस्ट पर था। ये पहली बार 1539 में देखा गया था, और जब वर्ल्ड मैप बहुत ज्यादा अजीब सा हुआ करता था। लेकिन इस आइलैंड को मैप से 1997 में हटा दिया गया, पर 2008 में ये फिर से दिखने लगा।
पर ये एक अजीब मिस्ट्री बन गई कि आखिर कैसे कोई आइलैंड चार सदी तक दिखने के बाद गायब हो गया। और फिर नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको में रिसर्च करने पर पता चला कि उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल था और अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसको पूरी तरह से मिटा दिया गया था। लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये हो सकता है कि ओशन में पानी का लेवल बढ़ा हो और इसके चलते ये गायब हुआ। लेकिन इसका असली रीजन क्या था, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, डेटॉन रॉक। साल 1680 के पहले किसी ने एक चट्टानों की सीरीज को देखा था जिस पर अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं। ये आज भी बने हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर उन बने हुए चित्रों का अर्थ क्या है। लेकिन एक व्यक्ति थे जॉन डेनफोर्थ नाम के, जिन्होंने बताया था कि ये नेटिव अमेरिकन द्वारा यहाँ छोड़े गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का काम है, लेकिन अब आपको बता दें कि सबसे ज्यादा लोगों का मानना है कि ये एलियंस का काम है। लेकिन आज तक ये तो पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन चित्रों का मतलब क्या है और ये यहाँ कैसे आए। ये भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थी में से एक है। नंबर 3, डांसिंग प्लेग। ये बात 1518 की स्ट्रासबर्ग अल्सेस की है। दरअसल 1518 के कुछ महीनों के बीच जब लोगों ने अचानक से नाचना शुरू कर दिया था, इसकी शुरुआत मिसेस ट्रोफिया से हुई थी और उनके साथ 400 लोगों ने अनकंट्रोल होकर नाचना शुरू किया, जिससे वो बीमार हो गए लेकिन डांस करना बंद नहीं किया। और जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब डॉक्टर को भी कुछ नहीं समझ आया कि आखिर ये क्या है। लेकिन अंत में डॉक्टर्स ने एक थ्योरी दी और बोला कि ये 7 डांसिंग प्लेग में से एक है जो कि वर्ल्ड से पहले आ चुके हैं। नंबर 2, एमवी होयटा। दोस्तों, ये एक 69 फुट लंबी शिप थी जिसे 1931 में बनाया गया था। इसे सबसे पहले लग्जरी यॉट की तरह इसे अक्सर बड़े बड़े फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस शिप को प्राइवेट कर दिया गया था, जिसके बाद से इसे ट्रेडिंग और फिशिंग के लिए उपयोग किया जाने लगा। लेकिन 1951 में जब एक दिन ये समोआ से टोयाकालो आइलैंड के लिए निकली, लेकिन सिर्फ एक इंजन के साथ जिसमें 16 क्रू मेंबर्स और 9 पैसेंजर्स थे, साथ ही चंदन की लकड़ी और ऑयल ड्रम थे, लेकिन फिर अचानक से ये एक दिन गायब हो गई और इससे कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। तब इसके लिए सर्च टीम को भेजा गया, लेकिन 6 महीने बाद शिप का कैप्टन शिप रूट से 600 मील दूर मिला और वो भी आधी डूबी हुई शिप के साथ। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि उसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई थी, पर क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स गायब थे, पर वो कहां गए ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, ऑस्ट्रेलियाज मिसिंग प्राइम मिनिस्टर। ये घटना 1967 की है, प्राइम मिनिस्टर बनने के एक साल बाद की, जब ये अचानक से गायब हो गए। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधा सीधा किसी देश के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना ये अजीब था। सूत्रों के हिसाब से वो शेवरियट बीच पे फिशिंग कर रहे थे और पैर फिसलने के कारण वो समुद्र में गिरे और गिरने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनका सर्चिंग मिशन सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन सर्चिंग मिशन बना, लेकिन बहुत कोशिश के बाद साल 2005 में ये मान लिया गया कि वो मर गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली है। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी की कोई चाल है, लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।